लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक चीफ मिनिस्टर के लिए यह कितने शर्म की बात है कि पुलिस उसकी स्टेट में स्ट्राइक करने की हिम्मत कर ले, और ये सब आपकी हरकतों की वजह से हुआ है। एक मामूली पुलिस कमिश्नर के बहकावे में आकर कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप हम पर? इल्जाम नहीं, ये हकीकत है। हम खुद पुलिस वालों को मिलकर आए, हमने खुद ने आपके किए हुए कारनामों की तहकीकात की है। आपको अपनी पोजीशन, अपनी पार्टी की पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। हमें पार्टी के बारे में मत बोलो, यहाँ की पार्टी हमारे कंधों पर चलती है और आपकी सरकार भी। हमारे देश की यही बदकिस्मती, यहाँ के हर मामूली नेता को यह गलत फहमी हो जाती है कि दिल्ली की सरकार उसी के कंधे पर चल रही है। दिल्ली की सरकार भले चले या ना चले, लेकिन आपकी सरकार जरूर हमारे इशारों पर चल रही है। हम पर रोब जमाने की कोशिश मत करो। समझाने वाली भाषा अगर आप समझते तो रोब की बात नहीं करते। आज स्ट्राइक शहर में हुई है, कल पूरे स्टेट में हो सकती है, और ये हम कभी गवारा नहीं करेंगे। पुलिस हमारी जान है, हमारा हार्ट है। देश का, सरकार का अगर हार्ट ही फेल हो जाएगा तो देश और सरकार दोनों नहीं चल सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अभी और इसी वक्त रिजाइन कर दें। यह आपका हुक्म है या कमिश्नर वीर बहादुर सिंह का? ये हमारी राय है, अगर आप समझे तो, वरना हुक्म। होम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया? जी हाँ, और मैंने इस खबर को अखबार में हेडलाइंस बनाकर ऐसा मैटर तैयार किया है जो होम मिनिस्टर को पूरी तरह से बेनकाब कर देगा। तुम समझती हो होम मिनिस्टर चुप बैठेगा? अरे वो इतना बेईमान है कि चीफ मिनिस्टर का जीना मुश्किल कर देगा। वो कुछ नहीं कर सकता सर, ये तो उसी के कर्मों की सजा मिल रही है उसे। न जाने कितनी बहनों से उनके भाई छीने होंगे, कितनी माओ से उनके लाल छीने होंगे। ये खबर तो कुछ भी नहीं है सर। जिस दिन उसकी मौत की खबर छापूंगी, उस दिन चैन मिलेगा मेरे भाई की आत्मा को। नेता धर्म पार्टी, नेता धर्म पार्टी, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। बस बस, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, जाइए, बैठिए, बैठिए। मेरे प्यारे भाइयों, ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों से मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। सर, चीफ मिनिस्टर ने आपके गृहबान में हाथ डालकर अपनी बर्बादी को दावत दी है। चीफ मिनिस्टर को कुर्सी से उतार कर फेंक देना चाहिए सर। हम 25 MLA आपके साथ है सर। मैं जानता हूँ और मुझे फक्र है कि आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है। सर, जरूरत पड़ी तो हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी, और मैं वादा करता हूं कि मैं चीफ मिनिस्टर को उसके कुर्सी से उतार कर फेंक दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पानी की तरह पैसा बहाना पड़े या खून की नदियां। अगर धर्मपाल खून की नदियां बहाएगा तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे। हम उनकी पार्टी वालों की लाशें गिरा देंगे, हम उनके घरों को आग लगा देंगे। समझ क्या रखा उसने? जो भी आपके खिलाफ बगावत करेगा उसे हम जान से मार देंगे। आप सच्चे इंसान हैं, हम आपके साथ हैं। शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, बैठ जाइए आप लोग। देखिए, एक अच्छी हुकूमत गुस्से और जज्बात में कभी कोई कदम नहीं उठाती। हम जिए या मरे, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमें परवाह है तो सिर्फ अपने देश की। हम किसी भी कीमत पर धर्मपाल जैसे बेईमानों के हाथों अपने देश को बर्बाद होने नहीं देंगे। कमिश्नर साहब, आप हमें तो क्या, सारे देश को फखर होगा आपके विचारों पर। आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। सिर्फ ये कहना है सर कि सच्चाई के दुश्मन आपके खून के प्यासे हो गए हैं, मगर आप तक पहुंचने वाली हर गोली को हम पुलिस वालों के सीनों से गुजरना होगा, और ऐसी गोली आज तक बनी नहीं। मिनिस्टर साहब, आज से हम
मौत की छाती पर बैठकर आपकी जिंदगी के लिए पहरा देंगे, ये हमारा वादा रहा। क्या कहा? कमिश्नर की उड़ान यहाँ तक पहुँच गई कि वो चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करने लगा। जी हाँ, यहाँ तक कि उसने चीफ मिनिस्टर के एक एक एमएलए को अपने कब्जे में कर रखा है। कमिश्नर, शारदा, 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 ज्योति, की ताजा खबर, कमिश्नर की बीबी और बेटी के खून में होम मिनिस्टर धर्मपाल का हाथ। आज की ताजा खबर, हत्या में होम मिनिस्टर का हाथ। आज की ताजा खबर, हत्या में होम मिनिस्टर धर्मपाल का हाथ। देखा तुमने ये आज का पेपर? मुझे खुलेआम बदनाम कर दिया, मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। क्या फायदा तुम्हारी दोस्ती का? ये सब उस प्रेस रिपोर्टर किरण का काम है। वो अपने भाई के खून का बदला ले रही है हमसे। हाँ, मगर उस ससुरी को ये नहीं मालूम कि उसी की छिड़ी हुई चिंगारी से वो खुद जल जाएगी। हाँ, जल जाएगी। कमिश्नर, तुम यहाँ आने से पहले सोचा नहीं कि तुम यहाँ से जाओगे कैसे? जो सोचते हैं वो कुछ कर नहीं पाते, और जो करते हैं वो सोचते नहीं। भाग ले लल्लू उस्ताद, कहां तक भागेगा? Oh!
मुझे बचा लो, मुझे बचा, बचा बचा, मुझे बचा लो, मुझे बचा, मुझे माफ कर दो। नहीं, बचा लो, बहुत बड़ा पाप हो गया, अन्याय हो गया, मुझे माफ कर दो। चल, तुझे माफ किया। मासूम बहन बेटियों की इज्जत लूटी है इसने। हाँ हाँ, खत्म कर दो साहब ऐसे बेईमान आदमी को, ये देश के नाम पे कलंक है। चरणों में इस दुष्ट पापी की बलि दी है, इस बलि को स्वीकार कर मां, मुझे शक्ति दे मां, मुझे शक्ति दे। ऐसे दुर्जन नेता जो हमारी जन्मभूमि को दीमक की तरह नोच नोच कर खोखला कर रहे हैं, उनका सर्वनाश कर सकूं
और उनके लहू से तेरे पवित्र चरणों को धो। मुझे शक्ति दे माँ, मुझे शक्ति दे भवानी, मुझे शक्ति दे।